जरा मुझे जवाब देना दोस्तों, आपके पास घर है, शानदार बंगलो है, गाड़ी है, उद्योग है, व्यापार है, खेत है, खलिहान है, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है, लेकिन आपका जवान बेटा या आपकी जवान बेटी घर से बाहर गई है और शाम को उसका डेड बॉडी, उसका मृतदेह घर आ जाए, तो ये घर किस काम का, ये बंगलो किस काम का, ये पैसे मिलकर किस काम की। आपको चाहिए सुरक्षा, सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, सुरक्षित जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है, असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। हर एक दुकानदार स्थानीय गुंडों की घुड़की और धमकी सुनने के लिए मजबूर रहता था। कारोबार के सिलसिले में शहर के दुकानदारों को गांव आना, गांव के दुकानदारों का शहर जाना लगा ही रहता था, लेकिन पहले आए दिन व्यापारियों से, दुकानदारों से पैसा लूट लिए जाने की खबरें अखबारों में छाई रहती थी। भाइयों बहनों, यहां तो हालत यह थी कि अगर कोई त्योहार बिना तनाव, बिना कर्फ्यू के निकल जाता था तो लोग राहत की सांस लेते थे। अब योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है, और इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है, आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे।